أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्लास फोर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज का सब्जेक्ट साइंस का जो टॉपिक हमारा है वो प्लांट्स एंड डियर पार्ट्स। तो आज हमने पौधे पौधा और पौधे के हिस्से इसके बारे में पढ़ना है कि पौधे के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से, वो आपसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपके पास सामने एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में पार्ट्स ऑफ प्लांट शो किए गए हैं। जैसे कि देखिए, ये फ्लावर है और उसके बाद लीव्स, फिर उसके बाद रूट्स और फिर उसके बाद ये आपके पास स्टेम आ जाता है। क्या है इसका स्टेम या ट्रंक जिसे कहा जाता है, तो एस ई एम स्टेम। ये इसके पार्ट्स ऑफ प्लांट है कौन कौन से, सबसे पहले फ्लावर जो इसका कलर्ड पार्ट होता है, फिर उसके बाद लीव्स जो इसकी ग्रीन पार्ट, फिर उसके बाद इसका ये इस बाग किसे कहते हैं और जो स्टेम भी कहते हैं, लेकिन उसका पौधे का जो मोटा तना होता है, और ये ग्रीन कलर का भी होता है और ब्राउन कलर, जो बड़ा दरख्त होता है ना उसका ब्राउन कलर का होता है, और जो छोटे पौधे होते हैं जैसे फूल वाले होते हैं तो उनका ये ग्रीन होता है। उसके बाद इसके बेटा रूट्स आ जाती हैं जो कि इसकी जमीन के अंदर छुपी होती हैं, और ये ऑफ वाइट कलर की होती है, जिसका काम सिर्फ ये होता है उसने जमीन से पानी को सख करना होता है और उस पौधे को उसने मजबूती देनी होती है, पौधा ऐसे उसे मतलब खड़ा रहता है, सहारा देना होता है। और ये सारे जो रूट्स हैं ये पानी से करते हैं करके इसके तने से और पत्ते तक और इसके फूल तक, फिर जो लीव्स होते हैं लीव्स क्या करते हैं इसका कि वहाँ से फिर वो जो पौधे की खुराक होती है ना उस खुराक को तैयार करते हैं, इसको फूड फैक्ट्री भी कहती है। ये पत्ते खुराक को तैयार करते हैं करके इसकी रूट्स तक लेके आते हैं। इस तरह फ्लावर जो होता है इसका खूबसूरत हिस्सा होता है, ये कलर्ड इसके जो लीव्स होती हैं बहुत प्यारे प्यारे। तो ये पौधे के हिस्से हैं, फ्लावर है, लीव्स है, रूट्स और स्टेम। तो इसी हवाले से बेटा आज दूसरी बात समझेंगे, सीखेंगे जो प्लांट्स होते हैं कितनी टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो प्लांट्स वो होते हैं बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं, जैसे कि दरख्त होते हैं वो ट्रीज होते हैं, फिर एक होते हैं हर्ब्स और एक होते हैं श्रब्स, ठीक है, और एक होते हैं छोटे फ्लावर प्लांट्स होते हैं। देखिए जिसमें जैसा देखें ना कि कहीं रेगिस्तान में जाएं तो छोटी छोटी जड़ी बूटियां आपको नजर आती हैं या बेल बूटे नजर आते हैं, वो सारे हर्ब्स और श्रब्स होते हैं। तो इसी तरह जो बड़े पौधे होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। तो उसी वजह से बेटा फिलिंग ब्लैंक्स के आपसे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि डैश आर द बिग प्लांट गेस्ट प्लांट्स, यानी कि जो बड़े पौधे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। फिर इसके अलावा आप देखेंगे जो आप रेगिस्तानी इलाके में देखते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हम कैक्टस कहते हैं, कि आर डैश हैज अ थिक फ्लैशी स्टेम एंड प्रिकली स्पिन्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसका जो स्टेम होता है ना तना वो मोटा होता है, उसको पानी से भरा होता है, इसलिए उसे फ्लैशी कहा जाता है कि रस भरा होता है, उसमें पानी बहुत ज्यादा उतार होता है और मोटा होता है, तो इसके लिए वो पत्ते नहीं होते, तो उस पौधे को हम कहते हैं कैक्टस। उसके ऊपर पत्ते नहीं होते, सिर्फ तना ही होता है, यानी कि शाखें शाखें इसकी होगी, पानी से भरी हुई होगी, सब्ज कलर की होगी, इसके ऊपर कांटे होंगे। और जो ट्रीज के बारे में आपसे बात अभी की है कि जो बड़े बड़े दरख्त होंगे उसके ऊपर तना भी है, जड़े भी हैं, उसके पत्ते भी हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या उसमें कहेंगे, पौधा ट्री कहेंगे, दरख्त उसमें कहेंगे। बेटा आज का टॉपिक यही था कि प्लांट्स और उसके हिस्से जो थे, देखिए पौधा और उसके हिस्से हमने इस टॉपिक के अंदर आज के लेक्चर में सीखे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नई चीज़ हम सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।